मथुरा जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के तत्वाधान में अखाड़ा शिव शक्ति आधुनिक मल्ल विद्या केंद्र लाजपत नगर के सहयोग से दिनांक 4 जनवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति की बैठक का आयोजन 65 लाजपत नगर स्थित कुश्ती कार्यालय पर किया गया, जिसमें जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के अध्यक्ष खेल गुरु ब्रजरत्न अशोक शेखर पहलवान की अध्यक्षता में कुश्ती के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति मथुरा के महासचिव राष्ट्रीय पहलवान शेखर अशोक ने बताया कि ब्रज प्राचीन काल से मल्ल विद्या का केंद्र रहा है, इसके विकास के लिए कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन बहुत जरूरी है, जिसमें आज बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि मथुरा जिले के प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन 8 जनवरी से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें 35 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम भार वर्ग के पहलवानों की कुश्ती कराई जाएंगी। मथुरा जनपद के 10 ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जाएगा। सबसे प्रथम 8 जनवरी को चौमुहा ब्लॉक की कुश्ती प्रतियोगिता सही गांव में अखाड़े पर प्रातः 10 बजे से प्रारंभ की जाएगी। आगे महासचिव ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय कुश्तियों के साथ साथ ब्रिज के युवा पहलवानों के लिए जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति मथुरा अखाड़ा शिव शक्ति के सहयोग से खिताबी कुश्ती प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेगा, जिसमें ब्रिज केसरी, जिला कुमार, जिला बलराम, जिला चैंपियन, जिला अभिमयू, जिला टाइगर, जिला बाल केसरी और जिला भीम आदि खिताबी कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम 2023 से 2024 तक चलेगा। सभी पहलवानों व गुरु खलीफाओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष खेल गुरु ब्रजरत्न अशोक शेखर पहलवान, लक्ष्य अरोरा, विष्णु पहलवान, जय भगवान पहलवान, अंकित पहलवान, सीएम पहलवान, राजू पहलवान, शिशुपाल पहलवान, श्यामवीर पहलवान, मनोज पहलवान, अंश पहलवान, प्रणव पहलवान, हुकम सिंह यादव, चंदन खलीफा, उम्मीद खलीफा, केदार खलीफा आदि उपस्थित थे। यहाँ पर जो बैठक आयोजित की गई, किस विषय में की गई है? देखिए, आज जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के माध्यम से हमने अखाड़ा शिव शक्ति के सहयोग से आज जिला कार्यालय कुश्ती जो हमारा कार्यालय है उस पर हम लोग लाजपत नगर में बैठक हमने आयोजित की है, और इस बैठक में हमारे सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि 2023 में हम लोग खेल अभियान के नाम से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुश्ती को बढ़ावा देंगे। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति और अखाड़ा शिव शक्ति निरंतर रूप से कुश्तियों को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि ब्रज प्राचीन काल से कुश्ती का प्रमुख केंद्र रहा है और निरंतर कुश्ती के विकास के लिए कार्य करता रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति और अखाड़ा शिव शक्ति ब्लॉक स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रहा है, जो कि 8 दिसंबर से चालू हो जाएंगी मथुरा जनपद के 8 जनवरी से चालू हो जाएंगी, जो कि मथुरा जनपद के समस्त ब्लॉक जितने की 10 ब्लॉक है हमारे जनपद में, उन सारे 10 ब्लॉकों में हम लोग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिसमें हम लोग 35 किलो से लेकर और 100 किलो तक के बच्चों को खिलाने के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है, हमारे महासचिव, हमारे कोषाध्यक्ष, संरक्षक महोदय सभी ने ये निर्णय भी लिया है कि इसके साथ साथ हम लोग कुश्ती के खिताब भी देंगे, जिसमें हम लोग ब्रज केसरी, जिला कुमार, जिला चैंपियन, जिला बलराम, जिला भीम, जिला टाइगर, जिला अभिमन्यु और जिला बाल केसरी और जिला भीम आदि प्रतियोगिताओं का हम लोग आयोजन करेंगे। इस प्रकार की कुश्ती प्रतियोगिताओं कराने का हमारा उद्देश्य ये है, क्योंकि ब्रज प्राचीन काल से कुश्ती का केंद्र प्रमुख रहा है, और जब हम इस प्रकार के आयोजन कराएंगे गांव-गांव जाकर और ब्लॉकों में जाकर, तो हमें अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे और उन अच्छे खिलाड़ियों को हम लोग प्रदेश व राष्ट्र स्तर पर खिलाने के लिए भेज सकते हैं, जिससे हमारे मथुरा जनपद का नाम आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।